हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं हूँ, अभी मेरे सामने आप देख लेंगे सदर एरिया, नागपुर का सदर एरिया। और मैं सदर एरिया में इसलिए आया हूँ क्योंकि जो मेरा पिछला एक वीडियो था समोसा लवर का जो वीडियो था, वहाँ पर जो भाई थे उन्होंने मुझे बताया कि हमारे पास में समोसे की और काफ़ी सारी डिफरेंट काइंड ऑफ वेराइटीज़ है, और वो वेराइटीज़ आपको देखने को मिलेगी नागपुर के सदर एरिया में जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसके पास में। तो जैसा आप देख रहे हो, ये मैं हूँ अभी सदर एरिया में, मैं आपको इसका व्यू दिखा रहा हूँ। पीछे का रोड है, ये आता है बर्डी से, और ये है अपना मेन स्क्वायर, ये है सदर स्क्वायर। सदर स्क्वायर में का ये स्टैचू, और यहाँ से हम जाएंगे अभी इधर साइड में, ये है जो रोड जा रहा है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की तरफ, और जो समोसा की डिफरेंट वेराइटीज है वो भी इसी साइड में आपको मिलेगी। चलिए चलते हैं। तो ये सदर से हम अभी जाएंगे इस एरिया में, तो देखेंगे सदर एरिया में। ये जो दोनों साइड में स्ट्रीट के दोनों साइड में आपको फूड की काफ़ी सारी वेराइटीज आपको दिखेंगी, मगर अगर स्पेशली समोसा की बात की जाए तो स्पेशली समोसा और समोसे की डिफरेंट काइंड ऑफ वेराइटी, ये हमको टेस्ट करने के लिए थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। तो जैसा दोस्तों, मेरे जो राइट हैंड में है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, और जस्ट मेरे साइड में है एक बड़ी सी बिल्डिंग। और देखिए एक मिनट, ये मिल गया हमको हमारा समोसा लवर्स। वाह वाह वाह, तो लीजिए दोस्तों, अभी तो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं समोसा लवर। ओके, तो ये तो हो गया इसका बोर्ड, अभी हम देखते हैं इनका आउटलेट का एक नज़ारा। यहाँ पर आपको खाने को मिलेगा वेज समोसा इन 19 वेरिएंट्स। बाप रे, यहाँ पे 19 तरह के समोसे आपको मिलेंगे। अब आलू समोसा तो भैया कॉमन हो गया, और आलू समोसा जो अपना भारतीय लोगों का पसंदीदा है, तो रेगुलर में सिर्फ उसकी प्राइस उन्होंने रखे 12 रुपए। अब उसके बाद में आपको मिलेगा यहाँ पे मिक्स वेज समोसा, तो मिक्स वेज समोसा इन्होंने 30 का दिया है, रोस्टेड पनीर समोसा 60 का दिया है, आलू छोला समोसा, पनीर आलू पनीर समोसा, नूडल समोसा, मंचूरियन समोसा, पास्ता समोसा, मैक्रोनी समोसा, छोला समोसा, नूडल पनीर स्पाइसी समोसा, मंचूरियन पनीर स्पाइसी समोसा, पास्ता पनीर स्पाइसी समोसा, आलू मटर पनीर समोसा, चिली पनीर, पनीर चीज। भैया मैं तो बोल बोल के थक गया, लेकिन इनके समोसे की वेराइटी नहीं थक रही, नहीं इतनी सारी वेराइटी है यहाँ पे कि मैं समोसे की वेराइटी गिन के थक रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो, तो आप चाहो तो यहाँ का एक स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। तो एक जनरल में मैं आपको ये दिखा रहा हूँ अभी, और लोग चाहे तो आप वीडियो पॉज कर करके आप देख सकते हो। तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। अरे बाप रे, ये तो हमको एक नया डिश मिला अभी यहाँ पे, नॉनवेज समोसा, नॉनवेज वो भी 6 वेराइटी में। इसमें है क्या, चिकन नूडल समोसा। जैसा दोस्तों, संडे का वक्त है, और आपको यदि बिरयानी खा खा के बोर हो गए, या फिर घर पे नॉनवेज ला ला कर बोर हो गए, और मार्केट से नॉनवेज की काफ़ी सारी डिशेस तो आपने ट्राई की होगी, मगर कुछ अगर संडे में कुछ नया फन करना है खाने में, तो आप ये नॉनवेज समोसा जरूर इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए इसकी वेराइटीज है हमारे पास में, यहाँ पे दिख रहा है चिकन नूडल समोसा, चिकन पनीर समोसा, चिली चिकन समोसा, चिकन मंचूरियन समोसा, बटर चिकन समोसा, चीज पनीर बटर चिकन फ्लेवर्ड समोसा। यहाँ पे नया डिश भैया डेजर्ट समोसा दिख रहा है। जाहिर सी बात है, अगर छोटे बच्चे आते हैं आपके साथ में तो चॉकलेट की डिमांड करते हैं, तो आप उनको चॉकलेट समोसा खिला सकते हो, या फिर गुजिया समोसा भी है। उसके बाद में जिनको समोसे के अलावा कुछ चाहिए, तो पोहा की भी डिश है यहाँ पे, चना पोहा, छोला पोहा, मटर पोहा, मटकी पोहा, मिसल पोहा। समोसा खाने के बाद में अगर चाय पीने की इच्छा हुई, तो चाय की भी काफ़ी सारी वेराइटीज यहाँ पे दिख रही है बोर्ड के ऊपर। जैसा कि यहाँ पे है ये रेगुलर टी, आलमंड टी, एप्पल टी, बनाना टी, बटरस्कॉच टी, कैरामेल टी। बाप रे, चाय में भी ये लोग काफ़ी सारी वेराइटीज लेकर आए हैं। वाह वाह वाह, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, या फिर पॉज कर करके आप देख सकते हो, और प्राइस भी देखिए, प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल है। जैसे मार्केट में भी ब्रांडेड टी आप देखोगे तो रेगुलर वाली 10 की मिलती है और बाकी की 20 की मिलती है, लेकिन यहाँ पर जैसे एप्पल टी है, बनाना टी है, तो वो सिर्फ 15 रुपये में है। और भी काफ़ी सारी टीज, चाय जो का फ्लेवर है इनका 15 रुपये का है। अब ये भैया
आइस टी में भी ये जैसा हॉट टी के अलावा आइस टी में भी आए हैं, एप्पल टी, बनाना टी, गुआ, लीची टी, ऑरेंज टी, पाइनएप्पल टी, वाह 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 वाह, काफ़ी सारे टी के भी फ्लेवर्स है। ग्रीन टी पीना है तो ग्रीन टी की भी अलग वेराइटी है यहाँ पे मिलेगी। ग्रीन टी की इतनी सारी वेराइटीज़, केसर, लेमन, ऑरेंज स्ट्रांग, तुलसी, तुलसी जिंजर, केसर, तुलसी, तुलसी लेमन, तुलसी ऑरेंज, तो इनके भी ये प्राइस है, आप देखिए काफ़ी रिजनेबल प्राइस है। इतने कम प्राइस में भैया नागपुर में कहीं भी आपको चाय देखने को मिलेगा। हॉट कॉफ़ी, कॉफ़ी के भी काफ़ी सारी वेराइटीज़ है, आलमंड कॉफ़ी, एप्पल कॉफ़ी, बनाना कॉफ़ी, बटर स्कॉच, कैरामल, चॉकलेट, गुआ, और प्राइस ये जैसा समोसा भैया ने बनाए थे। और बाहर में अभी कस्टमर की तरफ जा रहा है, तो जैसा कि अभी तो भैया के पास में एक प्लेट तो पहले ही ख़त्म दिख रही है और साथ में इन्होंने मांगा है, तो इनका एक रिव्यू लेते हैं कि कैसी टेस्ट है, क्या है। भैया आपका कहाँ से हो? हम धर्मगढ़ से हैं। अच्छा, इससे पहले हमने समोसा लोअर का आलू का समोसा खाया था। अच्छा, लेकिन उसके बाद हमने इनकी फ्रेंचाइजी ओपन हुई और हमने देखा कि चिकन समोसा, अच्छा, नागपुर में सबसे फेमस सावजी खाना, तो उसके बाद तरी पोहा, और उसके बाद कहीं हमने यूनिक नाम अगर हमें दिखा तो ये चिकन समोसा। पहली बार समोसे में चिकन समोसा हम देख रहे, इसलिए एक्साइटमेंट इतना हो गया कि हम धर्मपेट से यहाँ तक आ गए। वाह, तो कैसा है इसका टेस्ट? टेस्ट बहुत बढ़िया है सर। अच्छा, ये आपने इसके पहले क्या ऑर्डर किए थे? सर इससे पहले हमने मंचूरियन समोसा ऑर्डर किया था। अच्छा, जैसे कि नागपुर के लोगों को पसंद है नॉनवेज ज़्यादा, तो हमने चिकन समोसा। अच्छा, बहुत बढ़िया टेस्ट है। तो यहाँ पर एक फैमिली बैठी है, आइए इनका भी कुछ रिव्यू लेते हैं। भैया आप यहाँ पर जो समोसा ट्राई किए हो, तो अभी कौन सा समोसा आपने ट्राई किए? मंचूरियन समोसा। मंचूरियन समोसा, और आपने? सेम लिए। अच्छा, ओनियन भी मंगवाया। अच्छा, ये अभी स्पेशली ओनियन वाला है। ओके, तो आपको क्या ना क्या इसमें डिफरेंस क्या लगा? टेस्ट अच्छी है। अच्छा, आलू समोसा हम खाते हैं। हाँ हाँ, इससे बेटर लग रहा है। अच्छा, पहले से मैं समोसा मतलब समोसा लवर थी हूँ। अच्छा, अलग अलग फ्लेवर अभी देखने को मिले। ओके, कभी देखा नहीं मैंने। अच्छा, हाँ बात तो सही है, क्योंकि मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ इतनी सारी वेराइटीज। आइए दोस्तों, इधर में दूसरे टेबल है, तो यहाँ पर अभी कुछ कस्टमर बैठे हैं, इनका भी रिव्यू लेते हैं। भाई आप कहाँ से हो? मेडिकल से। मेडिकल? बाप रे, मेडिकल से आप इतने दूर आए? हाँ, यानी मेडिकल से सदर काफी लंबा होता है वैसे। और आप सर? सर बुटारे से आया हूँ मैं। अच्छा, तो अभी आपने क्या ऑर्डर किए? अभी मैंने तरी पोहा ऑर्डर किया हूँ। ओके, इससे पहले भी ऑर्डर किया था मैंने। अच्छा, समोसा, इससे पहले मैंने समोसा टेस्ट किया। ये कौन सा समोसा है? ये नूडल समोसा है। कुछ खास वजह नूडल समोसा की? हाँ, स्पेशली हम तो हर जगह समोसा खाते हैं, लेकिन यहाँ वेराइटी आप समोसा था, तो अभी मैंने नूडल समोसा टेस्ट किया है। इसकी टेस्ट बहुत अच्छी है, और नूडल्स के साथ इसमें स्पेशली मेरे को मिला है जो पनीर भी है नूडल्स के साथ में। अच्छा, तो उसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा है। Okay. और वो स्पाइसी जो रहता है पनीर में के साथ उसका नूडल्स का, वो बहुत अच्छा फ्लेवर है। अच्छा, अच्छा फ्लेवर तो अभी तक मेरे को टेस्ट नहीं मिला है। और आपने क्या ऑर्डर किया सर? एक्चुअली मैंने समोसा, ये अनियन पनीर समोसा ऑर्डर किया है। ओके, नूडल समोसा भी ऑर्डर किया है जी। एक्चुअली यहाँ पर आने का रीजन यही है कि यहाँ पर नंबर ऑफ वैरायटीज है यहाँ पर। अच्छा, एक्चुअली समोसे तो हम हर जगह खाते हैं, आपको पता है नागपुर फेमस समोसे के लिए फेमस है जी, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ वैरायटीज है। अभी तो खैर हमने दो तीन ही ऑर्डर किया है, नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पर आएंगे तो कुछ और नए समोसे ऑर्डर करेंगे, उसका टेस्ट देखेंगे। तो ये जो समोसा हमने खाए हैं ये काफ़ी अच्छा है, जैसे हम नागपुर के लोग हैं तो स्पाइसी ज़्यादा अच्छा लगता है हम लोगों को, तो ये ऑब्वियसली बहुत स्पाइसी है, बढ़िया लग रहा है मेरे को। अच्छा, तो काफ़ी अच्छा लगा समोसा लवर्स, और ये भी नाम बड़ा यूनिक नाम है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओके, ओके, रेगुलर ही चाहते हैं। अच्छा, वेराइटी ऑफ समोसा मिलता है, मैंने चिकन समोसा मंगवाया था, बहुत स्पाइसी है, जबरदस्त है। अच्छा, पहले कैसा दिल्ली में वगैरह ये वेराइटी ऑफ समोसा मिलता था। अच्छा, अभी अपने नागपुर में भी मिलने लगा है समोसा लवर के माध्यम से। अच्छा, बहुत जबरदस्त लग रहा है। ओके, हरी चटनी है। ओके, और एक चटनी है और एक सॉस है, मीठा वाला सॉस। अच्छा, बहुत जबरदस्त, और रेट भी बहुत रीजनेबल है। कितना है?
कुछ नहीं 12 रुपए और वो जो वेराइटी ऑफ समोसा है उसका 30 रुपए। मैंने मंचूरियन नूडल्स ऑर्डर किया। मंचूरियन तो कुछ खास वजह है मंचूरियन की? मंचूरियन अपन बाहर में जाते चाइनीज वगैरह खाने के लिए, तो मंचूरियन बुलाते नूडल्स बुला लेते, पनीर समोसा। अच्छा, और सिर्फ पनीर या पनीर के साथ में और कोई दूसरा समोसा है? जी फिलहाल तो पनीर समोसा। पनीर समोसा बहुत। अच्छा अच्छा, ओके बढ़िया। और गरम गरम समोसे के साथ में गरम गरम जो चाय है, तो भैया खाने के काफ़ी शौकीन दिख रहे। कैसा लग रहा है आपको यहाँ से टेस्ट? तो आइए दोस्तों, अभी समय आ गया कि रिव्यू लेने का। तो मैंने ऑर्डर किया हूँ यहाँ पे, ये है चिकन समोसा और ये है मंचूरियन समोसा। वाह, समोसे में चिकन पहली बार। सेकंड समोसा ये है मंचूरियन वाला, तो इसको हम अभी टेस्ट करते हैं। यह भी ऐसा है तो हरी चटनी के साथ। साइज भी देखिए काफ़ी बड़ा है, चलो ऐसा नहीं कि रेट कम है तो इन्होंने साइज में कंप्रोमाइज़ की होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और चटनियाँ भी अच्छे देते हैं, साइज भी अच्छा है और काफ़ी गर्म सर्व करते हैं। और ये जो चटनी के साथ में ना अलग मजा आता है यार। सही में ये तो हुआ इनका जो समोसा लवर का जो मेन आउटलेट है। तो आइए इनके फ्रेंचाइजी जो ओनर है इनसे बात करते हैं, इनके इनसे कुछ जानकारी लेते हैं इसके बारे में। तो देखते हैं ये जैसा कि टेबल सजा हुआ है, वाव काफ़ी सारी चटनियाँ मिर्ची और ये समोसे की कुछ वेराइटीज है। तो अभी करते हैं हम इस समोसे का पोस्टमार्टम, देखते हैं इसके पेट में क्या क्या छुपा हुआ है, किस समोसे में नॉनवेज है, किस समोसे में वेज है, किस समोसे में क्या क्या वेराइटीज है, तो चेक करते हैं। कस्टमर को देखिए, देखने के लिए ये सारे समोसे एक जैसे लग रहे होंगे। हाँ, लेकिन ये सारे वेराइटी के समोसे हैं सर जी। बाकी कहते हैं कि यूनिक कोड के साथ हम प्रिपेयर करते हैं। ओके, जैसे पनीर समोसा यूनिक कोडिंग दिया गया है जो कस्टमर को बताया जाता है। जैसे अभी आप ये देखिए, ये समोसा आपके सामने फूटा हुआ जो है ये मंचूरियन पनीर समोसा है। अच्छा, मंचूरियन पनीर जी, अंदर में काफी सारी पनीर की फिलिंग है, मंचूरियन की फिलिंग है। अच्छा जी, ये सेकंड नंबर का जो समोसा आप देख रहे हैं, ये समोसा देखिए, ये है नूडल्स पनीर, नूडल्स मंचूरियन समोसा। ठीक है जी, देखने में आपको बिल्कुल एक नॉर्मल समोसे के जैसा लग रहा होगा, लेकिन कस्टमर को खाते समय में काफी मजा आता है, नया एक्सपीरियंस, बिल्कुल नया एक्सपीरियंस मिलेगा। और ये आपका थर्ड नंबर का समोसा जो है ना, ये देखिए आप नीचे से भी अगर फोड़ के देखते हो तब भी आपको इसकी फीलिंग में जो है ना बहुत सॉफ्टनेस मिलेगा। ये हमारा यूनिक स्पेशलिटी है सर, ये मंचूरियन पनीर समोसा है। मंचूरियन पनीर समोसा जी जी। और ये आपको दिखा दो दोस्तों, समोसे का आप शेप देखिए, प्रॉपर एक ट्रायंगल में है, उसके बाद में एक यहाँ से जो पट्टी है वो प्रॉपरली एक स्ट्रिप समान है, तो इससे पता चलता है कि इनकी स्ट्रिपिंग और फिलिंग कितनी जबरदस्त है। और कलर देखिए काफी बेक है, बढ़िया। आपको एक बात यहाँ पे बता दूं कि हम जो कस्टमर के लिए करते हैं ना, कस्टमर को इजीली अंडरस्टैंड होने के लिए हमने कस्टमर यहाँ पे एक यूनिक कोड दिया हुआ है। अच्छा। हर एक समोसे का यूनिक कोड दिया जाता है जो कि इस लेवल पे आपको कस्टमर को मिलता है, जिससे कस्टमर इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है कि उसने कौन सा समोसा मंगवाया है। ओके, तो अभी आपको ये फोर्थ नंबर का समोसा मैं दिखाता हूँ कि ये कौन सा है। ये देखिए सॉफ्टनेस के साथ खुलेगा, ये है आपका नॉर्मल मंचूरियन समोसा, नॉर्मल। और मंचूरियन का साइज देखिए हमारा कितना बड़ा है, इसके अंदर का फीलिंग जो होता है ना प्रॉपर मंचूरियन फीलिंग होती है। तो ये एक मंचूरियन समोसे में जाना और वो उसको स्टप करना, ये भी एक कला है। तो ये देखिए इन दोनों ने इस टाइप से किए हैं। ये सारे समोसे हम आपको बिल्कुल दिखाएंगे कि कौन कौन से समोसे कौन कौन सा फ्लेवर के है। ये वाला समोसा देखिए, ये देखिए नूडल्स पनीर समोसा, समोसे में नूडल, नूडल्स है विद पनीर है एक्स्ट्रा बटर के साथ, एक्स्ट्रा बटर के साथ, जिससे कस्टमर को इसका फ्लेवर जो है ना सर बहुत बढ़िया मिलता है, खाने वाले के जबान ललचाती है खाने के लिए जी। और ये वाला जो देखिए, ये है चिकन समोसा। वाओ, चिकन, चिकन फीलिंग के साथ पूरा चिकन का समोसा है जी जी। स्पेशल नॉनवेज लवर लोगों के लिए, स्पेशल नॉनवेज लोगों के लिए ये जो खाना पसंद करते हैं जी जी। इसका फीलिंग का बढ़िया होता है, मतलब
वेराइटी के साथ है जी, खाने वाला इसको बिल्कुल पसंद करेगा बिल्कुल। और ये देखिए सॉफ्टनेस के साथ हमारे पूरे समोसे है, ये चिकन नूडल समोसा है। वाओ, ये हमारा चिकन नूडल समोसा विद बटर। वाओ, काफी बढ़िया सर, खाने वाला बिल्कुल जी ललचा है, इसलिए हम लोगों ने इनके लिए बना के रखा हुआ है। हम पूरे नागपुर वासियों से आग्रह करते हैं कि हमारे समोसा लवर में आए हैं और हमारे समोसे का स्वाद एक बार जरूर अवश्य करें। और ये हमारा स्पेशलिटी वाला समोसा है, ओनियन पनीर समोसा, ओनियन पनीर विथ मटर। अच्छा, इतना बढ़िया समोसा है सर, इतनी अच्छी टेस्ट है इसकी, जो आदमी एक बार खाएगा अवश्य इसको दोबारा खाने के लिए आए। तो इतनी सारी वेराइटीज काफी सारी, जब हम कस्टमर को ये सर्व कर देना सर, साथ में हमारी एक यूनिक चटनियाँ होती है। हाँ, तो हम इसके साथ देते हैं। तो हमारी ये देखिए, ये चटनी है, दिख रही ना आपको जी, ये हमारी शेजवान चटनी है। ये शेजवान चटनी है, स्पेशल पटना मिर्ची से बनी हुई। ओके, इसका टेस्ट बहुत यूनिक है। ये एक्स्ट्रा ग्रेवी इमली चटनी है, मतलब इसके अंदर का जो है प्रॉपर आपको ऐसा टेस्ट आएगा कि आपका जबान पे हमेशा रहेगा। और ये स्पाइसी चिली चटनी है, हरी मिर्ची की बनी हुई, और ये साथ में हम लोग नींबू मिर्ची और जो टमाटर खाना चाहे, मतलब ये स्टफिंग के लिए देते हैं। अच्छा, अगर किसी खाने की इच्छा हो, बहुत से लोग होते हैं जिनको समोसे के साथ में प्याज वगैरह पसंद हो, जी 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 जी, उन लोगों को हम ये सर्व करते हैं। जी 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 जी, ये हमारा वेराइटी ऑफ समोसा है। वाओ, मजा आ गया बिल्कुल। वहाँ तो नागपुर की जान है, वहाँ नागपुर की तो जान है, जिसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे तभी बहुत खाना पसंद करता है, लेकिन ये क्या होता है ना, नागपुर में एक ट्रेडिशन तरीके से पोहा को सर्व किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हम समोसा लवर ने एक अलग टाइप से कस्टमर को सेवा देने के लिए एक अलग पोहे का इंग्रेडिएंट्स बनाया है, जो कि कस्टमर को काफी पसंद आएगा। हमारे पोहे में आप देखोगे काफी सारे वेरिएशन मिलेंगे सर। नागपुर में एक ही तरीके का पोहा मिलता है, जो होता है तर्री पोहा चने के साथ, लेकिन हमारे यहाँ पे जो पोहा मिलता है वो 5 वेरिएशन के साथ देते हैं हम लोग, जिसमें आपको पोहे के साथ में ये सादा काबुली चने वाला, सादा काले चने वाला पोहा मिलेगा। अच्छा, इस तरी के साथ बिल्कुल नागपुर की स्पेशल तरी, नागपुर की सावजी तरी सर। अच्छा, साथ में ये आपका काबुली चने के साथ हम पोहा सर्व करते हैं। अगर कोई लोग हेल्थ कॉन्शियस है जी जी, जो मटकी के साथ खाना चाहे, तो उनके लिए हम मटकी पोहा, इसमें प्रोटीन की मात्रा काफी मात्रा है, ज्यादा है, तो आपको एक सेहतमंद खाना आपके सामने मिल रहा है। आपने आज तक कभी भी राजमा पोहा किसी ने खाया? राजमा पोहा तो पंजाबियों को तो एक काफी पसंद आएगा। कस्टमर को बेस बनाती हुई और अलग तरीके से सर्व करने के उद्देश्य से हमने ये राजमा पोहा भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि पोहे की शान बढ़ाता है। तो ये जो इतनी सारी वेराइटीज आपके सामने पेश है, तो इसकी जो क्रेडिट जाता है ये है समोसा लवर की पूरी टीम। तो भैया, जैसा कि हमारे जो नागपुर के लोग हैं वो काफ़ी उत्सुक है कि ये भैया समोसा लवर क्या है, तो जैसे मैं आपसे उनको मिला दिया हूँ, तो ये जो कॉन्सेप्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ समोसा, ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में कैसे आया कि ये इसका भी कुछ फ्रांचाइजी ले सकते हैं? जी सर, देखिए ये कैसा है, ये समोसा लवर जो कंपनी है ना, ये दिल्ली बेस्ड कंपनी है। ओके, दिल्ली में समोसा का क्रेज काफ़ी अच्छा है। अच्छा, वहाँ पे वेराइटी ऑफ समोसा बहुत अच्छा बनता है। मतलब देखिए, यूपी बिहार का जो पोर्शन है, यूपी बिहार समझ लीजिए, या फिर वो दिल्ली नोएडा वाला सेक्टर, यहाँ पे वेराइटी में समोसा काफ़ी अच्छा मिलता है। लेकिन ये वाला चलन जो है ना, आपने नागपुर महाराष्ट्र में कहीं पे भी आपको मिलेगा नहीं। तो हमारे दिमाग में ये कंसेप्ट आया कि वो जो चीज़ें उत्तर भारतीयों को मिल रही है, दिल्ली बिहार के लोगों को मिल रही है, क्यों ना वही चीज़ें हम हमारे नागपुर वासियों को, हमारे महाराष्ट्र वासियों को, उनके लिए प्रस्तुत की जाए। तो इसलिए हमारे दिमाग में ये आया कि ये समोसा का वेराइटी हम अपने नागपुर में भी लॉन्च करते हैं, इसलिए दिल्ली बेस्ड कंपनी के साथ हमने टाइप किया और यहाँ पे हमने समोसा लवर नाम का ये आउटलेट ओपन किया है सर। तो एक अच्छी सेवा दी है सर ने नागपुर वासियों को कि इतने कम रेट में जो है जो समोसा खाने को मिल रहा है। तो जैसे कि भैया जानकारी दे रहे हैं, तो भैया हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि ये शॉप जो है सुबह कितने बजे से चालू होती है? सर, हमारा शॉप जो है ना, ये सवेरे 7 बजे से लेकर रात में 8, 8:30, 9। अच्छा, अभी फिलहाल में और आने वाले समय में जैसे कस्टमर बेस बढ़ता है तो 10, 10:30, 11 बजे तक भी चालू रहेगा। वाओ, यानी काफी जिसको जिनको काफी अगर लेट होता है ऑफिस से आते हैं, कोई शॉप से आते हैं, तो वो रात के 10 बजे तक इसका फायदा उठा सकते हैं। और वो सुबह कितने? 7 बजे से, सुबह 7 बजे से ये शॉप चालू हो जाती है। तो शायद सुबह 7 बजे अर्ली मॉर्निंग पोहा समोसा तो रहेगा, लेकिन आपको गर्मा गर्म चाय और चाय की काफी सारी वेराइटीज भी यहाँ पर मिलेंगी। बिल्कुल। तो भैया, ये अपना शॉप स्विगी और जोमेटो पे भी है क्या अवेलेबल? जी, इनके साथ अभी बातचीत चल रही है, आने वाले कुछ ही दिनों में। ओके, अपना स्विगी, जोमेटो
ये सारे जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है इन पे अवेलेबल हो जाए। तो हमारे जो भी व्यूअर्स यानी खास करके नागपुर के जो भी व्यूअर्स है तो जो कि यहाँ तक के नहीं आ सकते भैया, उनके लिए स्विगी और जोमेटो की भी फैसिलिटी जल्दी प्रोवाइड करने वाले है। लेकिन फिलहाल में अगर किसी को यहाँ पे आना रहा, कुछ जानकारी लेनी रही, या फिर किसी के अगर बल्क ऑर्डर रहे, किसी का ऑफिस ऑर्डर रहे, या फिर किसी शादी हो, कुछ छोटे मोटे जो फंक्शन बर्थडे फंक्शन रहते हैं, तो उसमें कुछ नई वैरायटी अगर किसी को चाहिए, भैया का आप कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हो। भैया आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8421-298-273, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। और यहाँ पे जितना भी बल्क ऑर्डर हो या फिर किसी भी वैरायटी के समोसे की रिक्वायरमेंट हो, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, आपको सारी सेवाएं प्रदान की जाएगी। तो एक बार भैया फिर से एक नंबर आपका नंबर रिपीट कीजिए। जी मेरा नंबर है 8421-298-273। तो कैसा लगा दोस्तों आज का वीडियो? ये जो समोसा लवर है, समोसा के जो दीवाने लोग है, शायद ये मेरा वीडियो देखने के बाद में आप जो भी समोसा लवर है वो तो खुश हो ही जाएंगे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोस्तों जो भी आपके समोसा लवर के दोस्त है, जिनको भी समोसा पसंद है, तो उन तक के ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। गुड नाइट।